हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और जैसे कि आप सभी को पता है, नासा और ईएसए ने 2013 में ये कंफर्म किया था कि यूनिवर्स की एज है अराउंड 13.8 बिलियन इयर्स, एंड क्वाइट फ्रैंकली यही हम अब तक बिलीव भी करते आ रहे हैं। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम साल 2000 में अगर आपको याद होगा तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने अपने हिपार्कोस प्रेसिजन पैरेलैक्स कलेक्टिंग सैटेलाइट से हमारे खुद के मिल्की वे गैलेक्सी के एक बहुत ही डिस्टेंट स्टार को ऑब्जर्व किया था बाय द नेम ऑफ मेथुसिला। और इस स्टार की एज निकल कर आई थी 14 से 16 बिलियन ईयर्स। सो क्लियरली समथिंग वॉज नॉट राइट। या तो मिल्की वे का एज हमने गलत कैलकुलेट किया था, या तो यूनिवर्स का ही एज हमने गलत कैलकुलेट किया है। इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अभी कुछ मंथ्स पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के फिजिक्स प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने ब्रह्मांड की एक न्यू स्टडी कंडक्ट की, एंड वेरी सरप्राइजिंगली ही फाउंड आउट दैट बिग बैंग असल में आज से 13.8 बिलियन ईयर्स नहीं बल्कि 26.7 बिलियन ईयर्स पहले घटा था। अब क्या ये क्लेम सही है? वेल, टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन से शुरू करना होगा कि एग्जैक्टली हमारे साइंटिस्टों ने आखिर ये यूनिवर्स का एज कैलकुलेट कैसे किया था। सो देखो, इसके मेनली ना दो रास्ते होते हैं। पहला है थ्रू द CDM मॉडल, जिसमें लैम्बडा रिप्रेजेंट्स कि अगर कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है तो उस पर ब्रह्मांड की इनविजिबल रिपल्सिव एंटिटी यानी कि डार्क एनर्जी का कितना इफेक्ट है, एंड हेंस वो किस रेट से हमसे दूर जा रहा है। एंड CDM रिप्रेजेंट्स कोल्ड डार्क मैटर, जो अपने ग्रेविटेशनल पुल से ब्रह्मांड के सभी ऑब्जेक्ट्स को आपस में पकड़कर यूनिवर्स को इंटैक्ट रखता है। सो कहने का मतलब यहां पर सिंपली है कि यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाले इस CDM मॉडल में लैम्बडा रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स और CDM रिप्रेजेंट करता है पुलिंग फोर्सेस इन द यूनिवर्स। यानी कि यह पता होने के बाद, अगर लेट्स से हमारे यूनिवर्स के इस शुरुआती बिग बैंग को हम एक बॉम्ब ब्लास्ट के जैसे कंसिडर करें या फिर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस, और ये गैलेक्सीज उस ब्लास्ट से निकले परखच्चे यानी कि टुकड़े, तो इन टुकड़ों को पास्ट में ट्रेस बैक करके हम ब्लास्ट या बिग बैंग का समय एस्टिमेट कर सकते हैं, राइट? इसी मेथड में साल 2013 को यूरेशियन स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड की शुरुआती समय की हीट यानी कि तापमान का जो डेटा था उसे भी इनकॉर्पोरेट किया ताकि बिग बैंग का समय और ज्यादा एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके। और फिर ये सभी कैलकुलेशंस करने के बाद यूनिवर्स की एज जो सामने आई वो थी 13.8 बिलियन ईयर्स। बट फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ पहला मेथड था। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया, दो मेथड्स यूज किए थे और सटीकता से यूनिवर्स के एज के इस प्रेडिक्शन को बनाने में। सो दूसरा मेथड भी काफी सिंपल है, जिसे आप भी यूज कर सकते हो अपने घर बैठे बैठे कैलकुलेट करने के लिए। फॉर कन्वीनियंस इस मेथड को हम कह रहे हैं प्योरली हबल एक्सपेंशन मेथड, क्योंकि इस सेकेंड मेथड में प्योरली यूनिवर्स के एक्सपेंशन को ही सिर्फ कंसिडरेशन में लिया गया था। अब इसमें सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको हबल कांस्टेंट की वैल्यू एकदम एक्यूरेटली पता हो, क्योंकि फेमस एस्ट्रोफिजिसिस्ट एडविन हबल, जिन्होंने यूनिवर्स के एक्सपेंशन को डिस्कवर किया था, उन्होंने खुद अपने टाइम पर यूनिवर्स की एज को महज 2 बिलियन साल ही बताया था। सो क्या है ये हबल कांस्टेंट? तो देखो, उन दिनों में ना एडविन हबल ने अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ब्रह्मांड के अनगिनत ऑब्जेक्ट्स की पृथ्वी से दूरी और वो हमसे कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं इनके बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश की थी, जिसे आज हम हबल्स लॉ के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, गैलेक्सी से पृथ्वी का डिस्टेंस डी उनकी पृथ्वी से दूर जाने की स्पीड यानी कि रिसेशनल वेलोसिटी VR से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ऑब्वियसली ऐसे में इस प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को अगर हमें इस इक्वल टू के सिंबल से रिप्लेस करना है तो हम क्या करते हैं? यस, वहां पर इक्वल टू के साथ हमें कांस्टेंट डालते हैं। तो बस हबल ने भी बिल्कुल यही किया और उस कांस्टेंट का नाम पड़ गया द हबल कांस्टेंट। नाउ विदाउट गोइंग टू द निटी ग्रिटीज ओवर हियर, अगर आपके पास करंट हबल कांस्टेंट की वैल्यू है और आप सिर्फ उसका इनवर्स निकालते हो तो आपको एज ऑफ द यूनिवर्स का वैल्यू मिल जाएगा। बस सिर्फ एक चीज का यहां पर ध्यान रहे कि इस हबल कांस्टेंट की यूनिट में डिस्टेंस को लार्जर डिस्टेंसेस के लिए मेगा पार्सेक में लिखा जाता है, जो कि करीब 30 बिलियन बिलियन किलोमीटर्स का डिस्टेंस होता है। सो हबल कांस्टेंट का इनवर्स निकालने से पहले या तो हबल कांस्टेंट को इससे डिवाइड कर लो, या फिर डायरेक्टली अगर इनवर्स निकालना है तो इस वैल्यू को हबल कांस्टेंट से डिवाइड कर लो। आइदर वे फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा, बस सिर्फ सिंपली आपको उसे सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। एंड ऐसे ही एग्जैक्टली करके एडविन हबल ने भी यूनिवर्स का एज 2 बिलियन ईयर्स है ऐसा कैलकुलेट किया था। एंड नो, उनके कैलकुलेशंस यहां पर गलत नहीं थे बल्कि उनका ऑब्जर्वेशन गलत था। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि एडविन हबल यूनिवर्स के एज को कैलकुलेट करने में इतने बड़े मार्जिन से कैसे चूक गए। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इस मेथड में हबल कांस्टेंट की वैल्यू एक्यूरेट होनी बहुत जरूरी है,
एंड उनसे बस एक गलती यहाँ पर हो गई थी कि उनके टाइम पर टेलीस्कोप्स वगैरह इतने एडवांस नहीं हुआ करते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने इम्परफेक्ट ऑब्जर्वेशंस के चलते हबल कांस्टेंट अराउंड 500 किलोमीटर्स पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद जब 1990s में हबल टेलीस्कोप लॉन्च हुआ और गैलेक्सीज हमें ज्यादा एक्यूरेटली ऑब्जर्व होना शुरू हुए, तब कुछ एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने साल 2001 में हबल कांस्टेंट को रीकैलकुलेट किया एंड फाउंड इट टू बी 72 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक। अब इस नए वैल्यू के बेसिस पर अगर आप यूनिवर्स के एज को कैलकुलेट करोगे, तब आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स की एज निकल कर आती है 13.2 बिलियन ईयर्स, यानी कि सीडीएम वाले वैल्यू से फिर भी काफी कम। बट देन अभी हाल ही में हबल कांस्टेंट की वैल्यू वापस से अपडेट हुई टू 67.4 किलोमीटर पर सेकेंड पर मेगा पार्सेक, और उसकी वजह से यूनिवर्स की एज निकल कर आई 14.1 बिलियन ईयर्स, यानी 13.8 बिलियन से कंपैरेटिवली क्लोज बट स्टिल ज्यादा। सो ऑल इन ऑल फ्रेंड्स, यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने में दोनों ही मेथड्स एक दूसरे से मोर और लेस बराबर है। बट एक सेकेंड, अगर दोनों अलग मेथड्स एक ही वैल्यू के आसपास आते हैं विच इज 13.8 बिलियन ईयर्स एंड देर इज नो अदर क्रेडिबल वे, तो फिर अभी रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर में डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने यूनिवर्स की एज 26.7 बिलियन ईयर्स कैसे कैलकुलेट की। और इवन बियॉन्ड दैट, जब ये फंडामेंटल क्वेश्चन आज से दो दशक पहले ही आंसर हो चुका था और सभी इसमें ऑलमोस्ट यूनानिमसली एग्री कर चुके थे, तो फिर ये फिर से यूनिवर्स की एज कैलकुलेट करने की नीड आखिर जनरेट ही कैसे हुई। तो देखो, अभी जो हमने दो मेथड्स देखे यूनिवर्स की एज को कैलकुलेट करने वाले, उनमें दो मेजर फ्लॉज हैं। फर्स्टली, सिंस अब तक डिस्कवर्ड सभी स्टार्स एंड गैलेक्सीज की एज 13.8 बिलियन ईयर्स से कम ही आई थी, सो इसीलिए इन मेथड्स को एक्यूरेट अज्यूम किया गया है। लेकिन अभी इसी साल ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, डेनमार्क और स्पेन के एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने JWST की मदद से अपनी जॉइंट रिसर्च में एटलीस्ट 6 ऐसी गैलेक्सीज ढूंढ निकाली है जो नंबर 1 हमसे करीब 13.1 से 13.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, नंबर 2 वो करीब 1 ट्रिलियन सोलर मासेस जितनी मैसिव है, और नंबर 3 उनमें ज्यादातर स्टार्स रेड कलर के हैं। अब आई नो एट फर्स्ट ग्लांस आपको इसका मतलब नहीं समझा होगा, बट देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। अब तक हबल टेलीस्कोप ने जब भी हमको 13 बिलियन लाइट ईयर्स से दूर मौजूद गैलेक्सीज दिखाए थे, वो सभी ब्लू और छोटे थे, विच मेंट कि हम जो उनकी इमेज देख रहे हैं वो तब की है जब उनके अंदर मौजूद स्टार्स अभी फॉर्म हो रहे हैं या जस्ट फॉर्म हुए हैं। एंड सो बिग बैंग के जस्ट 500 से 600 मिलियन साल बाद ऐसे यंग और छोटे गैलेक्सीज का दिखना वाज नॉट ऑड। बट अभी जो JWST ने करीब 13.3 बिलियन लाइट ईयर्स दूर मौजूद रेड स्टार्स वाले गैलेक्सीज देखे हैं, उसका मतलब है कि हम उनकी जो 13.3 बिलियन साल पहले कि आज तस्वीरें देख रहे हैं, उनमें उनके स्टार्स ऑलरेडी अपने रेड जायंट स्टेज तक पहुंच चुके हैं। फॉर कंपैरिजन, हमारा सन करीब 4.5 बिलियन साल पुराना है, येट वो अब तक अपने मेन सीक्वेंस या येलो स्टेज तक ही पहुंचा है। सो देयर इज नो वे कि न्यूली डिस्कवर्ड गैलेक्सीज की आज हम जो इमेज देख रहे हैं वो बिग बैंग के सिर्फ 500 से 600 मिलियन साल बाद की ही है। देन जो दूसरा फ्लॉ है इन द टू कैलकुलेशन मेथड्स, वो ये है कि इन दोनों ही मेथड्स को इस्तेमाल करने से पहले ब्रह्मांड के ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जिसकी गैलेक्सी और उनके सबसे ब्राइटेस्ट स्टार्स जिन्हें हम कॉमनली सिफाइड स्टार्स कहते हैं, उनकी रेड शिफ्ट कैलकुलेट की जाती है। नाउ फॉर कॉन्टेक्स्ट, ब्रह्मांड के अनगिनत ब्राइट ऑब्जेक्ट्स जैसे जैसे हमसे दूर जाते हैं, उनकी लाइट लो एनर्जी रेड कलर की तरफ शिफ्ट होती है। इसे हम उस ऑब्जेक्ट की रेड शिफ्ट कहते हैं। मतलब इस रेड शिफ्ट के डेटा से वो ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और कितनी तेजी से दूर जा रहे हैं ये कैलकुलेट किया जाता है, और फिर उसे सिमुलेशंस या फॉर्मूले में यूज करके हम यूनिवर्स का एज कैलकुलेट करते हैं। बट रेड शिफ्ट को इस्तेमाल करने में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि जब से हमें यह पता चला है कि रेड शिफ्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से होता है, हमने रेड शिफ्ट देखने के लिए दूसरे रीजन को पूरी तरीके से इग्नोर ही कर दिया है, विच इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दरअसल एडविन हबल ने अपना यूनिवर्स के एक्सपेंशन वाला कॉन्सेप्ट 1929 में पब्लिश किया था। उससे पहले सभी साइंटिस्ट मेजरली यही मानते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है और वो किसी भी तरह की मूवमेंट या ग्रोथ नहीं दिखाता। सो उन दिनों हबल के रेड शिफ्ट वाले ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर उस टाइम के बाकी एस्ट्रोनॉमर्स भी अपने अपने एक्सप्लेनेशंस देने लगे ऑफ द रेड शिफ्ट्स दे वर ऑब्जर्विंग। इन्हीं में से एक थे
फेमस स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज़्विकी, जिन्होंने उसी साल उन यूनिवर्सल रेडशिफ्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी टायर्ड लाइट थ्योरी पब्लिश की थी। उनकी थ्योरी के अनुसार डिस्टेंट स्टार्स और गैलेक्सीज की लाइट इसीलिए रेडशिफ्ट दिखाती है क्योंकि वो हम तक पहुंचते वक्त बीच में पड़ने वाले एटम्स और अन्य ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के फोटोन से टकराकर अपनी एनर्जी लूज कर देती है। एंड जैसे आप सभी को पता है कि लोअर एनर्जी का मतलब हायर वेवलेंथ यानी कि ज्यादा रेडशिफ्ट, तो बस इसी सिंपल स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड अपनी टायर्ड लाइट थियरी से ज़्विकी ने रेडशिफ्ट्स का एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया। एक्सेप्ट देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम, जो उन्होंने खुद ही अपने पेपर में पॉइंट आउट भी किया था। ज़्विकी ने खुद ही एक्नॉलेज किया था कि अगर रेडशिफ्ट्स प्योरली लाइट स्कैटरिंग के वजह से हो रहे होते तो हम तक पहुंचती हर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की इमेज एक्सट्रीमली ब्लर दिखाई देती थी, विच वॉज नॉट द केस। सो बस फिर इसी मेजर ड्रॉबैक की वजह से हबल की एक्सपेंशन वाली थियरी को सभी लोग अल्टीमेट सत्य मानने लग गए एंड टायर्ड लाइट थियरी को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया। बट क्या ज़्विकी कंप्लीटली गलत थे? आर वी सेइंग एंड डिड ही एक्चुअली मीन कि इस ब्रह्मांड में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट हम तक पहुंचती है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से ही रेडशिफ्ट दिखाती है और कोई और रीजन नहीं हो सकता? एक्चुअली यही सवाल डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने अपने आप से पूछा और वो इस फंडामेंटल इशू को रिजॉल्व करके यूनिवर्स की एज रीकैलकुलेट करने में जुट गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट एस्टिमेट्स हमारी खुद की मिल्की वे गैलेक्सी भी यूनिवर्स के बनने के जस्ट 200 मिलियन साल बाद ही बनी थी, जबकि यूजुअली एक गैलेक्सी फॉर्म होने में अराउंड 1 to 2 billion years का समय लगता है। और इसीलिए इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता ने एग्जिस्टिंग CDM मॉडल ऑफ द यूनिवर्स लिया और उसको दो पुराने रिजेक्टेड कॉस्मोलॉजिकल थियरीज टायर्ड लाइट थियरी और कोवेरिंग कपलिंग कांस्टेंट थियरी इनके साथ अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लब करके JWST द्वारा ऑब्जर्व्ड सभी गैलेक्सीज को फिर से स्टडी किया। एंड नाउ बिफोर वी मूव अहेड, जिन्हें कोवेरिंग कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है ये नहीं पता, वो बस इतना समझ लो कि ये भी एक कंप्लीटली रिजेक्टेड तो नहीं बोल सकते हैं बट एक तरह से समय के साथ साथ साइडलाइन हो चुकी थियरी है, जो कहती है कि हमारे ब्रह्मांड के जितने भी कॉन्स्टेंट्स है लाइक स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, हबल कॉन्स्टेंट एटसेट्रा, ये सभी वक्त के साथ साथ स्लाइटली चेंज होते रहते हैं। सो हैविंग सेड दैट कि उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी अपनाई, अब आते हैं डॉक्टर गुप्ता के एक्सपेरिमेंट पर। तो देखो, उन्होंने सबसे पहले CCC, CDM और TL इन तीनों कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स को अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्लब किया, उसके बाद उन्हें रेडशिफ्ट वर्सेस एंगुलर साइज के इस ग्राफ पर प्लॉट किया और फिर इसके बाद उन्होंने JWST द्वारा ब्रह्मांड के अलग अलग गैलेक्सीज में जितने भी सुपरनोवे ऑब्जर्व किए गए हैं उनकी स्टेबल लाइट के डेटा को अपने ग्राफ पर प्लॉट किया। और अब जरा नजर डालते हैं इस ग्राफ पर, इसमें आपको क्या देखना है ये मैं बताता हूँ। देखो, हमें ये पता है कि रेडशिफ्ट रिप्रेजेंट्स कि कोई ऑब्जेक्ट हमसे कितना दूर है और एंगुलर साइज मतलब ये वाला एंगल विच रिप्रेजेंट्स कि कोई ऑब्जेक्ट जो हमसे दूर है वो उसकी एक्चुअल साइज के मुकाबले हमें कितना छोटा नजर आ रहा है। यानी कि ऑल इन ऑल ये जो रेडशिफ्ट वर्सेस एंगुलर साइज का ग्राफ है उसमें हम जैसे जैसे खुद से दूर मौजूद गैलेक्सीज को प्लॉट करते जाएंगे उनकी रेडशिफ्ट तो बढ़नी चाहिए बट उनकी एंगुलर साइज घटनी चाहिए क्योंकि वो उतने ही ज्यादा छोटे दिखने लगेंगे। अब बेस्ड ऑन दिस प्रीटेक्स्ट आप ये देख सकते हो कि JWST के मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस CCC प्लस TL की ये जो लाइन है उससे सबसे ज्यादा मैच हो रहे हैं और बाकी के दो लाइंस ऐसा दिखा रहे हैं कि आफ्टर अ सर्टेन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की एंगुलर साइज फिर से बढ़ती है। एंड दिस जस्ट प्रूव्स कि यूनिवर्स के फिजिक्स को CDM मॉडल से ज्यादा CCC प्लस TL मॉडल ज्यादा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है। और इसीलिए जब इसके पैरामीटर्स के हिसाब से डॉक्टर गुप्ता ने यूनिवर्स का एज निकाला तो एज यू कैन सी इन दिस टेबल वो निकल कर आया अराउंड 26.7 billion years. नाउ दिस इज ह्यूज, क्योंकि अब देखो इनिशियली हमने जो जो एनोमलीज देखे थे लाइक मिल्की वे का 14 से 16 बिलियन ईयर्स पुराना स्टार मेथुसला या हमारे ब्रह्मांड के वो न्यूली डिस्कवर्ड मैसिव रेड गैलेक्सीज, इन सभी का एज प्रॉपरली जस्टिफाई हो रहा है। एक्सेप्ट डॉक्टर गुप्ता के रिसर्च में रिपोर्टेडली दो मेजर फ्लॉज है। द फर्स्ट फ्लॉ इज, जो कि ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी की एक सीनियर एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर बेकी स्मिथहर्स्ट ने पॉइंट आउट किया कि डॉक्टर गुप्ता की रिसर्च का बेस ही है वो 6 मेजर रेड गैलेक्सीज जो बिग बैंग के सिर्फ 500 से 600 मिलियन साल बाद बनने के बावजूद भी मैच्योर थे। बट उनके अनुसार ये एज्यूम करना कि ब्रह्मांड के शुरुआती समय में भी स्टार्स की लाइफ साइकिल बिल्कुल आज के स्टार्स जैसी होती थी, ये एजम्पशन ही एक गलत एजम्पशन है, क्योंकि उन
उन दिनों यूनिवर्स में काफी ज्यादा एनर्जी एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेटेड हुआ करती थी और इस वजह से आज के स्टार्स से वहां पर स्टार्स कई गुना ज्यादा मैसिव बनते थे। इवन इसी वजह से उन दिनों बहुत ही कम समय में भी बड़े स्टार्स बन जाते थे। एंड सो इवन दो कम समय में मिल्की वे जैसे 100 से 400 बिलियन स्टार्स से भरी गैलेक्सी जल्दी नहीं बन सकती, लेकिन लेट्स से सिर्फ 1 बिलियन एक्सट्रीमली मैसिव स्टार्स वाली गैलेक्सी कम टाइम में बन सकती है, इवन विद इन 500 टू 600 मिलियन ईयर्स ऑफ द बिग बैंग। और उन स्टार्स की एक्सट्रीम साइज और एक्सट्रीम ग्रेविटी की वजह से उनकी लाइफ साइकिल भी छोटी होगी, व्हिच फर्दर एक्सप्लेन्स द रेडनेस। एक ऑस्ट्रेलियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट तमारा डेविस के हिसाब से रिसेंटली JWST का कैलिब्रेशन कुछ टाइम के लिए बिगड़ गया था। सो देयर इज अ हाई चांस कि JWST के कुछ ऑब्जर्वेशंस फॉल्टी हो, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि एस्ट्रोनॉमर हर एक एज का एक रेफरेंस रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम बनाते हैं और फिर उसे अपने नए टेलीस्कोप द्वारा ऑब्जर्व किए हुए ऑब्जेक्ट्स के रेड शिफ्ट स्पेक्ट्रम को रेफरेंस के साथ मैच करते हैं। अगर दोनों भी स्पेक्ट्रम मैच होते हैं यानी कि ऑब्जर्वेशन सही है, और अगर वो मैच नहीं हुए तो इसका मतलब टेलीस्कोप को रीकैलिब्रेट करने की जरूरत है। सो जैसे कि मैंने कहा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि डॉक्टर गुप्ता द्वारा यूज डेटा और उससे निकली यूनिवर्स की एज ये दोनों ही गलत साबित हो। इनफैक्ट टू सॉल्व दिस इशू तमारा डेविस दोबारा से JWST द्वारा हुए डेटा को स्टडी करने वाली है ताकि यूनिवर्स की एज का एक ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट मिल सके। सो बहुत ही जल्द फ्रेंड्स हो जाएगा इसका दूध का दूध और पानी का पानी। खैर, अगर एक बार ये कंफर्म हो गया तो इससे हम ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट है या फिर इनफिनाइट, क्योंकि ऐसे कई सारे थियरीज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि यूनिवर्स फाइनाइट है और यहां तक कि डोनट शेप का। अब ये कोई हंसने वाली बात नहीं है और ना ही मैंने कोई मजाक किया है, बल्कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थियरी है। उस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, काफी प्रॉमिसिंग थियरी है। और फ्रेंड्स रही बात हमारे यूनिवर्स की एज की, तो आपको क्या लगता है, क्या ये 28 के रेंज में है या 13 के रेंज में ही साबित होगा? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट यू फील अबाउट इट। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा के रेडी रहो, अगला वीडियो आएगा बहुत जल्द और नए इंटरेस्टिंग ज्ञान के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।